हाय गाइस, वेलकम टू द सुषमाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे की खुरमा। मैदे की खुरमा बनाने के लिए आज का हमारे इंग्रेडिएंट्स है 2 बाउल मैदा। 2 बाउल मैदा में हमें 1 बाउल चीनी, चाशनी बनानी है उसके लिए हमें 1 बाउल चीनी चाहिए। यह है इलायची, जिसे हमें बाद में बारीक पीस लेना है। यह रिफाइंड ऑयल, इसमें आपको कोई भी खुशबूदार तेल यूज़ नहीं करना है। इसमें या तो आप घी का यूज़ करें, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करें। 2 बाउल मैदा में हमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना है, जिससे अच्छे तरीके से हम डो बना सकें। रिफाइन ऑयल डाल के हमें अच्छे से मैदे के साथ उसको मोइन कर लेना है, अच्छे से मल लेना है। तब उसके बाद हम उसे पानी डाल के उसको अच्छे से डो बनाना है। तो ये देख सकते हैं कि मैदे की डो रेडी हो गई है। आपको इस तरीके से मैदे की डो को एकदम सॉफ्ट करना है ताकि अच्छे से खुरमा बन सके। प्लेटफार्म पर लोई बना लेके फिर उसे बेलना है। या तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे बेले, या तो आपके चकला या तो चाकले पर बेल ले। जब तक यहाँ पे हम बेल रहे हैं, तब तक जब यहाँ हमारा बेलना ख़त्म हो जाए, तो फिर हम यहाँ पे कढ़ाई गर्म करेंगे ताकि रिफाइंड ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो सके। मीडियम फ्लेम पे आपको तेल गरम करना है। जब तक ये तेल गरम हो रहा है, तब तक हम इसे काट लेते हैं। आप चाहे तो रेक्टेंगल शेप में काटें, नहीं तो आप इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। आपकी जिस तरीके से मर्जी हो, आप उस तरीके से शेप में काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में काट रही हूँ। ऐसे पीस बाय पीस आपको अलग अलग करके रखने हैं। अगर अगर आपका तेल गर्म हो गया हो तो आप इसे इसमें रख कर डीप फ्राई करना है। तो फिर अब आप देख सकते हैं इसे हम डीप फ्राई कर रहे हैं। तभी तो हमारा डीप फ्राई हो जाएगा, तो आप इसे अलग एक साफ प्लेट में रख देंगे। हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राइड किया है। तो देख सकते हैं ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमें चाशनी बनाना शुरू करना है। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले अभी हमें 1 कटोरी चीनी डालनी है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। अगर आपके पास 1 कटोरी चाशनी में हमें कम से कम आधा कटोरा पानी ही डालना है। अगर हमारा चाशनी साफ बन के रेडी हो जाए, तो इलायची स्वाद के अनुसार, यानी कि स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। देख सकते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो अब ये मैदे की खुर में डालना शुरू करेंगे। जब हम यह मैदे की खुर में चाशनी में डाल लेंगे, तो अच्छे से उसको चाशनी के साथ मिक्स करेंगे ताकि वो खुरमा अच्छे तरीके से चाशनी के साथ मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से खुरमा चाशनी के साथ मिक्स हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी मैदे के खुरमे तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।